इधर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक शुरू की थी कि उधर बैठक शुरू होने के ठीक आधा घंटा पहले अपराधियों ने दरभंगा में 7 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। हथियारबंद बेखौफ अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े 10:30 बजे दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र के लाठ मार्केट में डमरू सेठ ज्वेलर्स में धावा बोलकर तकरीबन 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और कैश लूट लिए। अपराधियों की संख्या 8 से 10 के बीच थी, जो सभी बाइक से आए थे। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी दुकान के मालिक सुनील लाठ पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। सुनील लाठ इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। अपराधियों ने दुकान के कुछ कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी लूट लिए। आपको बता दें कि पुलिस की जांच चल रही है और SSP बाबूराम ने घटना स्थल का मुआयना कर लिया है। दरभंगा शहर में ये लूट की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। दरभंगा में हुई 7 करोड़ की लूट में दुकान के CCTV फुटेज में अपराधियों के भागने की तस्वीर कैद हुई है। फुटेज में अपराधी जिस तरह से गहने लूटकर भाग रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ गहने लूटने आए थे। पुलिस के आला अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। SSP बाबूराम ने बताया कि 14 किलो सोना, 2 लाख कैश की लूट बताई गई है। CCTV फुटेज में 6 अपराधी 2 बाइक पर दिखाई दे रहे हैं। SSP ने बताया कि दुकान के कुछ कर्मचारियों से लूटे गए 4 मोबाइल फोन महिंद्रा शोरूम के पास से बरामद हुए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसके अलावा 3 टीमें संदिग्धों की तलाश में पहले से ही छापेमारी कर रही हैं।